हेलो गाइस, दिस इज प्रदीप एंड यू आर वाचिंग एनबीपीआर एंड मिक्स ज्ञान चैनल। यह एमएस वर्ड 2007 का छठा पार्ट, पांच पार्ट इसके पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर को जरूर देख लीजिए, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में उसको मिल जाएगा, तो जाकर के आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियोज में हमारा होम क्लियर हुआ है, इंसर्ट क्लियर हुआ है। इंसर्ट में केवल हमारा पेज और टेबल क्लियर हुआ है, और इससे पहले जो पहले वाली वीडियो थी पार्ट पांच, उसमें हमारा इल्यूटेशन से क्लियर हुआ था। तो अभी हम जो करेंगे क्लियर है वो हमारा लिंक्स क्लियर होगा, ठीक है। इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो लिंक्स के बारे में बताने वाले हैं, तो आगे ही वीडियो आएंगी तो उसमें आप देख सकते हैं आगे वाले ऑप्शन। तो ये वाले पिछले वाले पहले हम कर लेते हैं। जैसे ये वाले कौन कौन से ऑप्शन हमारे हो चुके हैं, ये सारे ऑप्शन हम कर चुके हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं इधर वाले। तो नाउ अभी हम लिंक्स करने वाले हैं, तो लिंक चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप शॉर्टकट की याद रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि जब जब कभी भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो शॉर्टकट की वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो हाइपरलिंक स्टार्ट करते हैं। हाइपरलिंक पहले समझ लेते हैं हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक में होता क्या है कि हाइपरलिंक में किसी भी फाइल का लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं, और उस लिंक को हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमारी डायरेक्टली ओपन हो जाती है, तो यही हाइपरलिंक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइपरलिंक करते हैं। हाइपरलिंक में एक हमें जो भी फाइल इसमें अटैच करानी है वो फाइल हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेल की, सॉरी एक्सेल की नहीं, मैं यहाँ पे एमएस वर्ड की ही फाइल ले रहा हूँ, तो ये वाली फाइल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो देखिए उस फाइल का यहाँ पे लिंक आ चुका है। अब जैसे मैं इस पर कर्सर लेके आ रहा हूँ तो दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि इस लिंक पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ही ये फाइल ओपन होगी। जैसे मुझे फाइल ओपन करानी है तो ये लिंक हो चुकी है, तो मैं कंट्रोल दबा करके कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना है, देन उसके बाद आपको कहीं पे भी यहाँ पे क्लिक करा देना है। तो जैसे क्लिक करोगे आप और यस करोगे, दिखा रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि यस, तो फाइल हमारी देखिए डायरेक्टली ओपन हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने इसको फिर से क्लोज कर दिया, लेकिन जितनी बार भी मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता रहूंगा ये फाइल हमारी ओपन होती रहेगी, क्योंकि ये भी हमारी जो फाइल है वो लिंक है इससे। अब मुझे इसको हटाना है, कि हम चाह रहे हैं कि इसको हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे दिखा रहा है रिमूव हाइपर लिंक, या कॉपी भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको हाइपर लिंक समझ आया, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे उसको हटाना है तो राइट क्लिक करूंगा, इसको मैं रिमूव हाइपर लिंक, या हट चुका है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो मुझे अगर इस पर फिर से अगर ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया है हाइपर लिंक को। तो इसको डिलीट में कर देता हूँ अभी। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये समझ नहीं आएगा। तो चलिए बुक मार्कर देखते हैं, बुक मार्कर क्या होता है पहले समझ लेते हैं। बुक मार्कर क्या होता है, सपोज दैट जैसे आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में कभी कभी ये नोटबुक जैसे आप कुछ लिखते हैं तो उसमें वहीं से खोलने के लिए हम वहाँ पे पेन वहाँ पे रख देते हैं या उस पेपर को मोड़ देते हैं, तो जिससे कि हम फिर से वहीं पे डायरेक्टली पहुँच सकें, तो वही बुक मार्कर होता है। बुक मार्कर आपने कभी कभी ये वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट का बुक मार्क लिया होगा तो वही होता है। सपोज दैट जैसे मैंने कुछ डेटा लिखा, हेलो गाइस, ये हमने लिखा, ठीक है। तो मैं इसको भी कंट्रोल ए से कॉपी किया, कंट्रोल सी से, सॉरी कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, मैंने इसको ऐसे कर लिया है। तो मैंने क्या किया कि कर्सर ना मैंने यहाँ तक रख लिया है, यानी कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं दूसरी बार फाइल को ओपन करूँ तो मुझे पता लग जाए कि मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ था। तो क्या करेंगे, कर्सर जहाँ पे भी हमें सेव कराना है तो हमने कर्सर वहाँ रख लिया पहले, देन उसके बाद हम बुक मार्कर में गए और किसी भी नाम से बुक मार्कर का नाम हमने दे दिया, उसको ऊपर कर लो थोड़ा सा, बुक मार्कर कोई भी नाम हमने दे दिया एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसको हमने ऐड करा दिया। अब मैं कर्सर अपना कहीं पे भी रख लेता हूँ, कर्सर मैंने कहीं पे भी ये रख लिया है। अब मुझे वहीं पे जाना है जहाँ पे मैंने कर्सर को ऐड कराया था, तो वहीं पे जाएंगे हम बुक मार्कर में और यहाँ पे जा करके इसको गो टू करा दें। देखो इससे पहले देखो कर्सर हमारा कहाँ रखा हुआ है, कर्सर हमारा यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता हमारा कर्सर कहाँ सेव था। तो बुक मार्कर में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और इसको गो टू कर देंगे, और डायरेक्टली देखिए हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच चुका है। सॉरी मैंने फिर से वहाँ पे क्लिक कर दिया था, आपको लग रहा होगा नहीं हुआ, मैं दोबारा एक बार और करके दिखा देता हूँ। कर्सर हमने कहीं भी रख लो, यहाँ पे जाएं और गो टू, देखिए कर्सर हमारा ये वहाँ पे पहुँच चुका है। इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं, दिख रहा है क्लियर। अब आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, देखिए ये भी बुक से रिलेटेड है। जैसे बुक के अलग चैप्टर होते हैं, अलग लेसन्स होते हैं ना उसके, तो उसमें एक फर्स्ट वाला पेज होता है जिसको कंटेंट बोलते हैं, है ना, ये इंडेक्स कॉलम जिसको बोलते हैं। तो उसमें सारी हमें समरी दी होती है कि कौन सा चैप्टर हमारा किस पेज पे है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो क्या क्या दिखा रहा है, आइटम सी रेफरेंस टाइप के आप, तो यहाँ पे दिखा रहा है आप हेडिंग का दे सकते हैं, बुक मार्कर का दे सकते हैं, रेफरेंस या फुट नोट का दे सकते हैं, एंड नोट का दे सकते हैं, इक्वेशन का दे सकते हैं, फिगर का दे सकते हैं, किसी टेबल का दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने हेडिंग किया है होम के अंदर, तो हम हेडिंग का ही करें क्योंकि आपको हेडिंग समझ आएगा।
जैसे मैं यहाँ पे अलग अलग पेज क्रिएट कर लेता हूँ इंसर्ट में, जैसे हमने ब्लैंक पेज बनाया था, मैं पेज को अभी छोटा कर रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए। ब्लैंक पेज किया मैंने, एक कुछ ब्लैंक पेज बना ली है, तो यहाँ पे मैं अपना कुछ भी टैग यहाँ पे डेटा लिखूंगा, तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ लिखा मैंने एमएस वर्ड, एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे दी उसकी डॉट DOC। ठीक है, इस तरीके से मैं पेज टू बना रहा हूँ यहाँ पे। अभी एक दो ही पेज बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक पेज और क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ मैंने लिखा, चलो यहीं से कॉपी कर लेते हैं। Ctrl C, और यहाँ पे आके मैंने इसको Ctrl V कर लिया, सॉरी हमने हेडर में ओपन किया, Ctrl V, और यहाँ पे मैंने लिखा MS Excel। इसकी एक्सटेंशन होती है .XLS। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी पेज हमने यहाँ दे दिया, एक पेज और बना लो, पूरा देखेंगे वीडियो तो ही समझ में आएगा, तो देखते रहिए वीडियो को। एक पेज मैंने और क्रिएट कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने दिया है, सॉरी मैंने यहाँ पे दिया Notepad। ठीक है, एक्सटेंशन होती है .txt, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या किया, अब इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, जो भी फर्स्ट जो भी हमने लिए हमारा टॉपिक लिखा है। तो पहला वाला पेज आपको ब्लैंक रखना है, क्योंकि पहले ही वाले पेज पर पे आपको जो भी क्रॉस रेफरेंस समरी चाहिए वो वहीं पर आएगी। तो अभी हम जाते हैं होम के अंदर, वो हेडिंग का यूज़ हमने किया था ना फर्स्ट वाले वीडियो में, तो हेडिंग जो बनाते हैं, तो अभी मैं इसको हेडिंग बना रहा हूँ मैंने एमएस वर्ड को, क्योंकि मैंने बताया क्रॉस रेफरेंस हेडिंग वाला लेंगे, तो मैंने यहाँ क्लिक किया, हेडिंग बना लिया, और ऐसे ही एमएस एक्सेल को भी हेडिंग बना लिया। पूरा सेलेक्ट करना है, माउस से अगर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ लेफ्ट राइट सेंटर जिधर भी आप करना चाहें। ठीक है, लास्ट में है एक और, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने हेडिंग बना लिया। तो अब देखेंगे, देखो हमारा नोटपैड हेडिंग बन चुका है, एक्सेल हेडिंग बन चुका है, एमएस वर्ड, तो फर्स्ट वाले पेज पे हम अपने आ चुके हैं। यहाँ पे हमें इसको रेफरेंस पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है, तो जैसे हम क्रॉस रेफरेंस से क्लिक करेंगे तो पूछ रहा है कि रेफरेंस टाइप, किस टाइप का आपका रेफरेंस है, तो हमने क्या बनाई है, हेडिंग बनाई है, दिख रहा है ना आपको, हमने तो हेडिंग ही बनाई है। अगर आप बुक मार्क कर ले चाहें तो बुक मार्क कर ले सकते हैं, फुट नोट, इस तरीके से सारी चीज़ें। तो अभी हेडिंग ले रहे हैं हम, तो हमने यहाँ पे हेडिंग ले ली और इसको ओके कराया, इंसर्ट, फिर एक्सेल में गए, इसको भी इंसर्ट कराया और यहाँ क्लिक किया और इसको भी इंसर्ट कराया, क्लोज कर लिया। हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, एमएस वर्ड, यहाँ पे एंटर और ये एंटर। तो देखो यहाँ पे इसका लिंक आ चुका है। अब इससे फायदा क्या हुआ, जैसे मान लिया मुझे यहाँ पे जाना है एमएस या एक्सेल पे जाना है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक कर लूंगा और डायरेक्टली हम उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। दिख रहा है ना, देखो अभी हम जैसे ये है, छोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो इसलिए मैंने छोटा किया है। तो जैसे समझ आ रहा है ना, शायद मे बी समझ आ रहा होगा, जैसे नोटपैड पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली हम नोटपैड पे पहुंच जाएंगे। क्लियर, तो ये होता है क्रॉस रेफरेंस। तो अगली वीडियो में हम हेडर फुटर के बारे में जानेंगे, पेज नंबर के बारे में। तो ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी छोटा हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो इंसर्ट मेन्यू है या पेज लेआउट मेन्यू है, इनके में एक एक जो इसके अंदर ऑप्शन है उसके बारे में बताने वाला हूँ। पहले हमने पेज ये किया था, पेजेस और टेबल्स, फिर एलिमिनेशन किया था, उसके बाद लिंक्स किया है, उसके बाद हम करेंगे हेडर फुटर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।